कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यू तो इस क्रेडिट कार्ड को कैशबैक कैटेगरी का किंग माना जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सभी लोगों को ये क्रेडिट कार्ड ले ही लेना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले अपना यूज देखना चाहिए कि आपका यूज किस कैटेगरी में है, तो उसी हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रिफर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आप लोग के यूज के हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम अपना भी ओपिनियन आप लोग को देंगे कि किन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो बिना समय को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी आप लोग ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो, यानी कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ पे आप लोग को एवरी ट्रांजेक्शन पे फ्लैट 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा विद नो मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई भी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगाई गई। चाहे आप अमेजॉन के थ्रू करो या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू करो, ओला पे करो, ऊबर पे करो, मिंत्रा पे करो, जोमेटो पे करो, स्विगी पे करो, नेटमेट्स पे करो, कहीं पे भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग को एवरी टाइम 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही ऑल अदर ऑफलाइन स्पेंड पे आप लोग को फ्लैट 1% का कैशबैक मिलेगा, और इसमें भी नो मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें भी कोई भी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरी टाइम आप लोग को ऑफलाइन स्पेंड पे 1% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक कैपिंग जरूर लगा दी गई है, यानी कि एक महीने के अंदर मैक्सिमम दोनों को मिलाकर, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन पे जो 5% और 1% का कैशबैक आप लोग को मिलेगा, वो मैक्सिमम एक महीने के अंदर 5,000 रुपये ही मिलेगा, यानी कि एक महीने के अंदर एक बिलिंग स्टेटमेंट के अंदर मैक्सिमम 5,000 रुपये आप लोग कैशबैक अर्न कर सकते हो। और जो भी आप लोग को कैशबैक मिलेगा, जब भी आप लोग का नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होगा, उसके 2 दिनों के बाद आपके SBI क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आप लोग को एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। मान लीजिए आपने इस महीने में, अगस्त महीने चल रहा है, अगस्त महीने में आपने ऑनलाइन स्पेंडिंग कर दिया इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 90,000 रुपये की, तो 90,000 का 5% कितना हुआ, 4,500 रुपये। इसके साथ ही जो ऑफलाइन स्पेंडिंग आपने किया वो है 60,000, यानी कि 60,000 रुपये, और 60,000 का 1% कितना हुआ, 600 रुपये। तो टोटल 4,500 और 600 कितने हो गए, 5,100 रुपये। ठीक, लेकिन आपको 5,100 रुपये टोटल कैशबैक नहीं मिलने वाला है। जो आपको कैशबैक मिलेगा एक महीने के अंदर, वो सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलेगा। या फिर मान लीजिए आपने ऑफलाइन स्पेंडिंग नहीं किया, आप टोटल 1,00,000 रुपये का ऑनलाइन स्पेंडिंग ही कर देते, तो वहाँ पे भी 5% के हिसाब से आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ पे कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। तो EMI ट्रांजेक्शन, चाहे वो फ्लैक्सी पे EMI ट्रांजेक्शन हो या फिर मर्चेंट EMI ट्रांजेक्शन हो, वहाँ पे आप लोग को कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यूटिलिटी बिल पेमेंट पे, इंश्योरेंस, फ्यूल, रेंट एंड वॉलेट रिलोड, स्कूल एंड एजुकेशनल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ज्वेलरी, रेलवे टिकट बुकिंग पे आप लोग को कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। अगर आप लोग फ्यूल ट्रांजेक्शन 500 रुपीज़ से लेकर 3,000 रुपये के बीच करते हो, तो वहाँ पे आप लोग को मैक्सिमम एक महीने के अंदर 100 रुपीज़ आप लोग सेव इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट की भी फैसिलिटी मिल जाती है, EMI की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके आती एक और बड़ा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को मिल जाता है, बाय चांस अगर हम आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप लोग को भरना हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यानी कि कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भी जमा कर सकते हो। तो ये तो हो गया इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब आपको बताते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी। तो अगर आप लोग की एज 21 साल से लेकर मिनिमम 21 साल हो गई है और 65 साल के बीच में आपकी एज है, तो आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपको बताते हैं इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस एंड फीस। ठीक, इस क्रेडिट कार्ड का जो फीस रखी गई है, ज्वाइनिंग और एनुअल फीस, दोनों ही 999 प्लस GST है। लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में 2,00,000 रुपये या फिर 2,00,000 रुपये से ज़्यादा का स्पेंडिंग कर देते हो, तो वहाँ पर आप लोग की जो एनुअल फीस है 999 प्लस GST, वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको देना ही पड़ेगा,
वन टाइम ठीक ज्वाइनिंग फीस 999 प्लस जीएसटी आपको वन टाइम देना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट कोई भी बाउचर वगैरह इस क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब समय आ चुका है हमारे ओपिनियन का। तो देखिए, नो डाउट आज भी कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड के आगे कोई भी कैशबैक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड नहीं टिकता, यानी कि आज भी ये किंग था और किंग है, ठीक। और फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम तक ये कैशबैक कैटेगरी का किंग क्रेडिट कार्ड है, ठीक। यहाँ पे आप लोग को जो 5,000 रुपीज पर मंथ जो कैशबैक मिलता है वो आज के ज़माने में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। लेकिन फिर भी किन किन लोगों को यह क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए ये भी आप लोग को बता देते। देखिए, इसका जो मेन बेनिफिट आप लोग को मिलता है वो ऑनलाइन स्पेंड पे ही मिलता है, ठीक। तो ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन स्पेंडिंग अपना करते हैं वो फ्लिपकार्ट पे करते हैं या फिर अमेजॉन पे करते हैं मोस्टली लोगों का। अगर जो मेट्रो सिटीज में उनको छोड़ दिया जाए, जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं या फिर छोटे कस्बे वाले हैं, ठीक, तो वहाँ पे जो मोस्टली उनका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, या तो उनका ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता भी है तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के अलावा बहुत ही कम होता है। इक्का दुक्का जैसे कि मिंत्रा वगैरह से कभी कपड़े वगैरह मंगा लिए, ठीक। लेकिन अगर आपके पास वहीं पे अमेजॉन का आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है, इसके साथ ही फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो फिर आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड फिर किसी काम का नहीं है, क्योंकि अमेजॉन और आईसीआईसीआई बैंक का आपका तो आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है ही, ठीक। तो फिर और आपका स्पेंडिंग अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्पेंडिंग है नहीं, तो फिर वहाँ पे आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक। एक चीज़ और कि कौन कौन सी कमियाँ इस क्रेडिट कार्ड में, और वो भी आपको बता, जैसे कि पहले इसमें आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की भी फैसिलिटी मिल जाती थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी नहीं मिलती, इसके साथ ही ना ही इसमें आप लोग को डाइनिंग की फैसिलिटी मिलती है, ना ही आप लोग को कोई मूवी की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड का एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट यह है कि जब भी कोई सेल स्टार्ट होती है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आप लोग को क्रेडिट कार्ड में एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में 10% का स्टैंड डिस्काउंट मिलता है। तो वहाँ पे आप लोग को इस क्रेडिट कार्ड में 10% का स्टैंड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही डिस्काउंट वो आपको यानी कि कैशबैक मिलेगा, 5% का कैशबैक ही आपको मिलेगा, फ्लैट 5% का। 10% का जो स्टैंड डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक। सो चॉइस इज योर्स, मैंने अपना पूरा ये ओपिनियन अच्छे से बता दिया, ठीक। बाकी एक बार फिर से बता दें, अगर आप लोग के ऑनलाइन स्पेंडिंग सभी कैटेगरी में है ना, तो फिर आप लोग के लिए ये क्रेडिट कार्ड वरदान से कम साबित नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। इसके अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।